और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद मौजूद है हमारे साथ। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा की शुरुआत करने के बाद से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तमाम नियमों का ध्यान रखा जा रहा है और इसी कड़ी में जानकारी इस बात की भी है कि कल चार धाम यात्रा में 1926 यात्री पहुंचे थे। नौवां दिन आज है, क्या अपडेट है विनोद से जानेंगे। विनोद, नौवां दिन है चार धाम यात्रा का, किस तरीके की व्यवस्थाएं अभी हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, नियमों को लेकर हो, रास्तों को लेकर है, वो बदलाव भी हमने देखे। नौ दिन बीत चुके हैं, चारधाम यात्रा को कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल जया, देखे आज चारधाम यात्रा का नौवां दिन है और करीब नौ दिन में करीब 15,000 दर्शन लोगों ने कर लिए हैं, यानी जो जितने भी तीर्थ यात्री आए हैं करीब 15,000 अब तक दर्शन कर चुके हैं। और उसके साथ साथ में जहां एक सुखद खबर है कि चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद में यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ मायूसी आने वाले यात्रियों को भी यहां करनी पड़ रही है, क्योंकि 15 अक्टूबर तक जो देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट है पूर्ण रूप से उस पर पंजीकरण फुल है। ऐसे में कई ऐसे श्रद्धालु हैं, यात्री हैं जो दूर दराजों से पंजीकरण करा के आ रहे हैं लेकिन मायूस होकर उनको जाना पड़ रहा था। राज्य सरकार की ओर से कल व्यवस्था कर दी गई है कि जो जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड पर ई पंजीकरण उन्होंने कराया है और वो यात्रा करने नहीं पहुंच रहे हैं तो उनकी उनकी जगह पर दूसरे यात्रियों को भेजा जाएगा। अब व्यवस्था बढ़ती जा रही है क्योंकि अब कुछ ही समय है बचा है यात्रा में, उसके बाद में यात्रा बंद हो जाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं के रुख जरूर चारधाम यात्रा के रूप में हो रहा है, जिसके वजह से गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो और केदारनाथ हो, इन तमाम ऐसी जगहों पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से व्यवस्था है, कोविड काल के दौरान जो प्रभावित चारधाम यात्रा थी अब वो शुरू हो चुकी है, आज उसका उत्तराखंड में नौवां दिन है और ऐसे में बढ़ती संख्या को देखते हुए जो पंजीकरण था 15 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से पंजीकरण फुल है वेबसाइट पर, वो ऐसे में जो भी लोग पंजीकरण करने वाले जो यात्री हैं पंजीकरण फुल होने के चक्कर में उनको वापस जाना पड़ रहा है। और ऐसे में जिनका ई पास यानी पंजीकरण करा के वो यात्री चार धाम यात्रा के दर्शन के रूप करने नहीं पहुंच रहे हैं तो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो यात्री नहीं पहुंच पा रहा है उसकी जगह पर दूसरे यात्रियों को दर्शन कराया जाए। ये एक सुखद खबर है और लगातार चार धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है और आज नौवां दिन है और नौवें दिन के करीब अगर बात करें तो करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा के दौरान दर्शन किए हैं और ये एक अच्छी खबर है। और ऐसे में लगातार चार धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और पूरी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, जितने प्रोटोकॉल्स कोविड के हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है और जो भी पंजीकरण कराकर जो यात्री श्रद्धालु उत्तराखंड के चार धाम यात्रा के दौरान रुक कर रहे हैं उनको राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि अपना पंजीकरण करके ही चार धाम का रुख करें क्योंकि लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और एक व्यवस्था बस राज्य सरकार की बेहतर ये हुई है कि यात्री जो भी पंजीकरण करके अगर नहीं पहुंच पा रहा है दर्शन करने के लिए तो दूसरे पंजीकरण करने वाले यात्रियों को दर्शन कराए जाएंगे, ये अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार की गई है। लेकिन लगातार चार धामों में यात्रा करने वाले बोर्ड के उसमें जिस तरह से संख्या बढ़ गई है वो कहीं ना कहीं मायूस कर रही है उन तीर्थ यात्रियों को जिनका नंबर नहीं आ पा रहा है। विनोद।